गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज मैं फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूं आप लोगों के लिए। एंड स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूं कि इंडिया में जो सिचुएशन है वो बहुत ही बेकार हो रही है। तो आप लोग जो है वो सुरक्षित रहो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का और सब लोगों का। एंड हम लोग तो यहाँ पर प्रे कर ही रहे हैं क्योंकि अभी तक जो था वो अलग था, बट अब जो है वो बात आ गई अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के ऊपर। तो आई विश कि सब लोग जो है वो जल्दी से सही हो जाए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो, और वीडियो का जो टॉपिक है वो है टैक्सेस। बहुत बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि अगर हमारी 60,000 सैलरी है, 60,000 यूरो पर एनम, तो हमें इतना पैसा मिलेगा क्या कि हम आराम से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकेंगे? या अगर हमारी 50,000 यूरो सैलरी है तो क्या हम लोग यहाँ पर सेविंग कर पाएंगे कुछ? और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे हमेशा आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। प्लस इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, टैक्स डिडक्शन कितना होगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा इस पर एनालिसिस किया, अपनी पे स्लिप्स देखी और देखा कि कौन कौन से जो टैक्सेस हैं यहाँ पर, मतलब कौन सी क्लासेस होती हैं, टैक्स कैसे कटता है यहाँ पर, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म में। उसी के ऊपर होगा ये वीडियो। एंड तक इसलिए देखना क्योंकि लास्ट में हम आपको एक एग्जांपल देंगे जिसमें हम आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि अगर आपकी सैलरी इतनी है तो जब आपका सब डिडक्ट होगा टैक्स, तो उसके पास आपको इन हैंड पर मंथ सैलरी कितनी मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कटता है। तो जो आपको नंबर्स दिखते हैं और जो आपको एट द एंड सैलरी आती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पर हम आप लोगों को सारे ही एलिमेंट्स बताएंगे जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि सैलरीज जो है वहाँ, यहाँ का स्ट्रक्चर जो है सैलरीज का वो क्या है। इंडिया से बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन हैं जो हम लोग देते हैं और जो हमें नहीं पता था। तो हम लोग एज ए न्यू पर्सन अगर आप आने वाले हो तो बिल्कुल वैसा ही बताएंगे। तो मैं दीपक को बुलाती हूँ। दीपक, हाँ, तो बेसिकली हमारा इंटेंशन यही है कि जो इश्यूज हमें हुए थे जब हम यहाँ आए थे समझने के लिए सैलरी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो यहाँ पे जॉब पे आते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कट होगा, टैक्सेस क्या टैक्सेस होते हैं, सैलरी स्लिप को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनिशियली। तो उन लोगों को बहुत काम आएगा जो यहाँ पर आ रहे हैं, आने वाले हैं, कि क्या क्या टैक्स सिस्टम कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, शुरू करते हैं। तो दीपक, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एंड आई थिंक हम बस हम ये चाहते हैं कि हम सब चीज आपको बता पाए। तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि जर्मनी में जाओगे आपका 40% टैक्स कम कट होता है, 45% टैक्स कट होता है, ऐसा नहीं है। मतलब एक कोई डायरेक्ट फिगर नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन जॉब कर रहा है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग टैक्स कट होता है आपका, डिपेंड करता है उसके हिसाब से। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर क्या किया है जर्मनी ने, इन्होंने 6 टैक्स कैटेगरी बनाई हुई है। तो एक टैक्स क्लास 1 से लेके टैक्स क्लास 6 तक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उस कैटेगरीज में अलग अलग लोग फॉल करते हैं। तो उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि टैक्स क्लास 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस कैटेगरी में आओगे जब आपकी सैलरी के हिसाब से और आपकी फैमिली के हिसाब से। तो टैक्स क्लास फर्स्ट, सुरभि एक्सप्लेन करो कि क्या होता है टैक्स क्लास 1, जो कैटेगरी फर्स्ट होती है। टैक्स क्लास 1 उन लोगों के लिए होता है जो सिंगल हो। हाँ, तो बेसिकली टैक्स क्लास 1 में सिंगल लोग, अनमैरिड सिंगल या विडो या फिर डाइवोर्स, इस तरह के लोग, सिंगल जो लोग होते हैं अकेले, वो आते हैं टैक्स क्लास 1 में। ठीक है, फिर होता है टैक्स क्लास 2। क्लास सेकंड में वो लोग आते हैं जो सिंगल पेरेंट्स हो। तो यस, क्लास सेकंड इज दिस, जो टैक्स क्लास 2 है उसमें सिंगल पेरेंट्स फॉल करते हैं। फिर हम मूव करते हैं टैक्स क्लास 3 की तरफ। तो जो एक बार मैं तुम्हें वो रोक रही हूँ, जो मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो इस कैटेगरी में इंडिया से एटलीस्ट जो इनिशियली आते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली जितने भी जो इंडियंस मैक्सिमम होते हैं वो टैक्स क्लास 3 और टैक्स क्लास 1 और टैक्स क्लास 5 में आते हैं। ठीक है, कैसे, अगर कोई इंडिया से अकेला आ रहा है, बैचलर आ रहा है, या कोई बंदा आ रहा है जनरली, तो वो टैक्स क्लास 1 में फॉल करेगा। टैक्स क्लास 3 में क्या होता है, टैक्स क्लास 3 ये उनके लिए होती है, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से आए, दो लोग आए हो, आप हस्बैंड वाइफ हो आपकी फैमिली में। ठीक है, आप अकेला हस्बैंड जॉब करता है या अकेली वाइफ जॉब करती है, ठीक है,
तो आप जो भी बंदा जॉब कर रहा है वो टैक्स क्लास 3 में आता है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, और कौन आता है टैक्स क्लास 3 में। अगर खैर अभी एक्सप्लेन करता हूँ, टैक्स क्लास 3 में दूसरे क्राइटेरिया क्या होता है। आप हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों लोग जॉब कर रहे हो, मैं मान के चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, 60% ऑफ आपका जो हाउस इनकम है वो 60% हस्बैंड की सैलरी से आ रही है या वाइफ की सैलरी से आ रही है, और दूसरे पार्टनर की सैलरी 40% है आपकी टोटल इनकम की कम है, तो जो आपका जो जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो टैक्स क्लास 3 में आएगा और जिसकी सैलरी कम है वो टैक्स क्लास 5 में आता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसका टैक्स कम कट होता है, और जिसकी सैलरी कम है वो टैक्स क्लास 5 में है उसका थोड़ा टैक्स ज़्यादा कट होता है, तो ओवरऑल आप दोनों का मिला के आप अच्छा अमाउंट बचा पाते हैं। तो टैक्स क्लास 3 में दो लोग आते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में से अगर कोई भी एक जॉब कर रहा है दूसरा जॉब नहीं कर रहा तो टैक्स क्लास 3 में, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं जो ज्यादा कमा रहा है वो 3 में, जो कम कमा रहा है वो 5 में। तो दीपक ने इसी के साथ जो टैक्स क्लास 3 और 5 दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों में, तो जैसे हम दोनों हैं और अगर दीपक की सैलरी ज्यादा है 60% है, मान के चलो कि आप, मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, अगर आप दोनों, हम दोनों मिलके 1 लाख यूरो, अगर 1 लाख यूरो महीने का कमाते हैं और मैं 60,000 यूरो 60,000 कमाता हूँ और ये 40,000 कमाती है, तो मैं टैक्स क्लास 3 में जाऊंगा, ये टैक्स क्लास 5 में जाएगी। ऐसे अपोजिट है, अगर ये 60,000 कमाती है और मैं 40,000 कमाता हूँ तो ये टैक्स क्लास 3 में रहेगी, मैं टैक्स क्लास 5 में रहूँगा। और ये चीज़ हमें ही जाके डिसाइड करनी होती है और हमें ही बताना होता है फाइनेंस ऑफिस में, जो फाइनेंस ऑफिस होता है यहाँ का, कि मुझे टैक्स क्लास 3 में रखिए और मेरे पार्टनर को टैक्स क्लास 5 में रखिए, और वो भी आपको ऑब्वियसली सजेस्ट करेंगे, तो इसमें आप थोड़ा पैसा बचा पाते हैं। वो हम आपको आगे चल के एग्जांपल बताएंगे। अब जो इंटरेस्टिंग वन है वो ये है, जो नेक्स्ट क्लास है, जो 4 जो अभी तक हमने आपको नहीं बताया, वो ये है कि आप मैरिड हो, यू आर मैरिड, दोनों अर्निंग हो और दोनों की जो सैलरी है वो लगभग सेम है, तो वो जो क्लास होती है वो होती है क्लास 4। तो दोनों का टैक्स जो है वो एक जितना ही कटता है और कुछ बेनिफिट्स भी नहीं होता, लेकिन जो दीपक ने 3 और 4, 5 बताया उसमें क्या होता है, एक का कम कटता है टैक्स, एक का ज़्यादा कटता है। बट इस केस में जिनकी सैलरीज, जैसे हम दोनों की अगर सैलरी एक बराबर है तो हम लोग दोनों ही अपना जो टैक्स क्लास है वो बोलेंगे कि भाई हमारा 4 रखो, क्योंकि फिर हम दोनों की जो, तो बेसिकली टैक्स क्लास 4 में सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम अर्निंग होती है और सेम ही टैक्स कट होता है। तो जब दो लोग हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं और सेम सैलरी ले रहे हैं तो टैक्स क्लास 4 में रहेंगे दोनों, 4 में हस्बैंड, 4 में वाइफ, ठीक है। फिर इसके बाद आती है टैक्स क्लास 5, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि दो लोग हैं, पार्टनर है, उसमें से जिसकी सैलरी कम है वो टैक्स क्लास 5 में रहता है, उसका टैक्स ज़्यादा कटता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ कि दो लोग हैं, एक जन की सैलरी 1,000 रुपये है, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, अब उसका टैक्स 20% कटेगा, तो 20% टैक्स कटेगा, तो ये मान लो 200 रुपये उसका टैक्स कट जाएगा, उसको 800 रुपये मिलेंगे। उसी टाइम, उसी सिमिलरली, अगर एक की सैलरी 500 रुपये है और 500 रुपये का 200% कट होगा, तो मतलब 100 रुपये कट होंगे, ठीक है। तो उसका परसेंटेज तो उतना ही है लेकिन अमाउंट कम कट हो रहा है। तो ये होता है कि जिसकी सैलरी कम है वो टैक्स क्लास 5 में आता है, परसेंटेज भले ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल जो पैसा है ना वो कम कट हो रहा है, तो बेनिफिट होता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये हमें बहुत इशू आया था कि जब हमें डिसाइड करना था कि हम जो है वो टैक्स क्लास क्या रखें, तो इनिशियली तो दीपक, जब हम लोग आए थे तो तुम थ्री क्लास नहीं, टैक्स क्लास 1 होता है ना। अच्छा हाँ, टैक्स नहीं, जब मैं आ गई थी यहाँ पर, तो मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ क्या मेरी जर्नी कैसी रही। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं सबसे पहले अकेला आया था, तो मैं टैक्स क्लास 1 में था क्योंकि मैं अकेला था। फिर सुरभि यहाँ पर आई, सुरभि ने मुझे ज्वाइन किया, तो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्म किया मेरी वाइफ आ गई है, तो मेरा टैक्स क्लास 1 से टैक्स क्लास 3 हो गया। वो आप जरूर करवाना, अगर आपकी वाइफ जैसे ही या आपका पार्टनर आपको ज्वाइन करता है, आप अपना टैक्स क्लास चेंज करा लें, आपका टैक्स बहुत कम कटेगा, बहुत डिफरेंस होता है 1 से 3 में आने में, क्योंकि उनको पता है कि आपके, आप जो आपकी फैमिली में जो लोग हैं आप पर डिपेंडेंट ज़्यादा लोग हैं, तो आपका टैक्स थोड़ा कम काटते हैं वो लोग। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो पहले आते हैं, शुरू करते हैं जॉब, फिर अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को बुलाते हैं, लेकिन अपना टैक्स क्लास चेंज नहीं करवा पाते हैं, तो टैक्स कटता रहता है ज़्यादा, तो आप उसको चेंज कराएं। तो मैं 1 से 3 में आया, फिर सुरभि आई, सुरभि ने जॉब सर्च की, सुरभि को जॉब मिली, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया आप क्या करें, फिर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट, हमारी सेम सैलरी थी तो हमने दोनों ने टैक्स क्लास 4 में स्विच किया, ताकि दोनों का सेम टैक्स कट होता है।
अगर मान के चलिए सुरभि यहाँ आती, सुरभि ने यहाँ जॉब सर्च की और इसकी सैलरी मेरे से काफ़ी ज़्यादा होती, तो इसको टैक्स क्लास 3 में हम लोग इसको सजेस्ट करते और मैं टैक्स क्लास 5 में आता। तो बेसिकली हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा 3-5 और 4-4 में दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? प्लीज कंफ्यूज मत हो, जो हमने वर्ड्स बोले उसको अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप न्यू हो तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल आएगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये पता है आप जर्मनी में रह रहे हो तो शायद आपके लिए इजी होगा। आप वैसे भी आप पॉज करके दोबारा से सुन सकते हैं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर लास्ट कैटेगरी होती है टैक्स क्लास 6। टैक्स क्लास 6 के बारे में सुन भी बताइए, उसमें कौन कौन लोग आते हैं? जो मल्टीपल अर्निंग्स लोग होते हैं, मल्टीपल जगह काम, मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, नेबन जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग टैक्स क्लास 6 में आते हैं। तो बेसिकली मतलब बहुत कम इंडियंस होते हैं इस कैटेगरी में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से अगर आप देख रहे हैं और आप यहाँ पे एज ए जॉब लेने आ रहे हैं, तो आप जनरली टैक्स क्लास 1 या टैक्स क्लास 3 और 5 में ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाया ओवरऑल कैटेगरी क्या होती है टैक्सेस की। अब मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या टैक्सेस कट होते हैं, कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, कितने परसेंटेज होते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हमको एक चीज होती है, जब मैं भी मेरी जब पहली सैलरी आई थी और जब मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था और उसके बाद जो सैलरी आई थी, तो मैं देख के शॉक हो गई थी कि भाई जो नंबर्स दिखाते हैं उससे इतनी ज्यादा सैलरी कटती है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ जो है वो सैलरी आपकी कट जाती है। तो फिर हमें लगता है यार क्यों, तो उसके कुछ टैक्सेस होते हैं और उसके लॉन्ग टर्म पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो हम आपको बताते हैं, उसे बोलते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम टैक्स से। ओके, तो क्या क्या टैक्सेस होते हैं, जैसे सुरभि ने बोला तीन तरह के, मैं इसको डिवाइड करता हूँ कैटेगरी में। पहला होता है इनकम टैक्स, जो सभी को पता है क्या होता है इनकम टैक्स। सेकेंड चीज होती है यहाँ पे सॉलिडेरिटी टैक्स, ठीक है। थर्ड होता है आपका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर 4-5 चीजें आती हैं, जैसे आपका हो गया एक पेंशन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, देन हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो गया, और आपका नर्सिंग इंश्योरेंस। मतलब अगर किसी वजह से आपको मेडिकल की जरूरत पड़ी, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी इंश्योरेंस होता है। तो ये चार चीजें बेसिकली सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन में आती है। एक चर्च टैक्स भी होता है, तो अगर कोई हिंदू है या मुस्लिम्स हैं तो वो इस चर्च टैक्स नहीं देते हैं, पर अगर क्रिश्चियन हैं आप तो चर्च टैक्स आपकी चॉइस है, आप दे सकते हैं अगर आप किसी चर्च से जुड़े हुए हैं तो। तो दीपक क्विकली हम समझा देते हैं कि कितना ये जो टैक्स होता है वो क्या होता है, तुमने कैलकुलेट किया तो तुम एक एग्जांपल दे सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो अगर मैं नीचे देखूंगा तो क्योंकि थोड़ा नंबर्स हैं तो समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं बेसिकली यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है, जब अब मैं जैसे मैंने बात किया था कि ज़्यादातर लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो टैक्स क्लास 1 या 3 में फॉल करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे ये दो पर्टिकुलर कैटेगरीज की। तो अब मैं बात करता हूँ सिंगल लोग, अगर कोई अकेला बंदा है यहाँ पर जॉब कर रहा है पहले उसकी, फिर हम बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ यहाँ पर हैं, मतलब आप एज ए फैमिली यहाँ पर है, उनमें से कोई एक जॉब कर रहा है उसकी, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल बंदा यहाँ पर जॉब कर रहा है तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 9,668 प्रॉब्ली, मैं बोलूँगा 9,000 अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर आपकी 9,000 यूरोज जो भी आपकी इनकम होगी ना वो नॉन टैक्सेबल होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। मान के चलिए अगर आपकी 50,000 यूरोज 50,000 यूरोज आपकी सैलरी है एक साल की, तो उसमें से 9,000 हटा दीजिए तो जो रिमेनिंग 41,000 है उस पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। सिमिलरली टैक्स क्लास अगर हम कैटेगरी अगर 3 की बात करें, कैटेगरी 3 मतलब वो हस्बैंड वाइफ हैं उनमें से कोई एक जॉब कर रहा है जो टैक्स क्लास 3 में है, उसके लिए सुरभि बताएगी कितनी होती है नॉन टैक्सेबल इनकम। तो वो जो अमाउंट होगा वो होगा 18,000, लगभग 18,000 के करीब। तो अगर आपकी 50,000 फॉर एग्जांपल 50,000 सैलरी है, आप माइनस 18,000 कर लो, तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी वो 32,000 में से आपका जो है वो टैक्स कटेगा, राइट। तो बेसिकली अगर कोई टैक्स क्लास 3 में है तो 18,000 तक इनकम टैक्स फ्री रहता है, अगर टैक्स क्लास 1 में है तो 9,000 तक टैक्स फ्री रहता है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट में आपका क्या। अब अगर कोई टैक्स क्लास 1 में है जिसकी सैलरी 9,000 से 15,000 के बीच में है, तो उसका टैक्स कट होगा आपका 14% से लेकर 24% तक, ठीक है।
सिमिलरली अगर कोई टैक्स क्लास 3 में है, अगर उसकी सैलरी 18,000 से लेकर 28,000 तक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एक साल की सैलरी, तो उसका टैक्स कट होगा 14% से 24% तक। जनरली इसमें जितने भी लोग एज ए आई टी या इससे इंजीनियरिंग जॉब से आते हैं वो उसमें फॉल नहीं करते, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी होती है। तो नेक्स्ट कैटेगरी मैं बात करता हूँ टैक्स क्लास 1 में अगर किसी की सैलरी 14,000 से लेके 56,000 के बीच में है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, आप थोड़ा 400 यूरो ऊपर नीचे होंगे, तो टैक्स क्लास 1 में बंदे की सैलरी 14,000 से 56,000 के बीच में है तो उसका टैक्स जो कट होगा वो अराउंड 24% से लेके 42% के बीच में टैक्स कट होगा, इनकम टैक्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर कोई टैक्स क्लास 3 में है और उसकी सैलरी आती है 28,000 से लेके 111,000 या 120,000 सॉरी, टैक्स क्लास 3 में अगर कोई बंदा उसकी सैलरी 28,000 से लेके 120,000 के बीच में है तो उसका जो टैक्स कट होगा वो होगा 24% से लेके 42% के बीच में, ठीक है, वो हम आपको और जब फिगर्स बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जिनकी सैलरी इनकम होती है उनका टैक्स कितना कट होता है, जो कि बहुत ज्यादा कट होता है। सो दिस इज अबाउट लाइक 42% अगर आपकी क्लास 1 है तो 55,000 से 2,63,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपका 42% टैक्स कट होगा क्लास 1 में, और अगर क्लास 3 है आपकी तो वन, और अगर आपकी सैलरी 1,19,000 से 5,30,000 मतलब ये बहुत हायर सैलरीज के जो लोग होते हैं वो, तो उनका भी जो टैक्स है वो 42% कटता है यहाँ पर। अब इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ मैं, लेकिन इसके ऊपर जिनकी सैलरी है वो हमारा वीडियो नहीं देखेंगे और अगर वो देखें तो प्लीज हम लोगों को थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर दो, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर कोई टैक्स क्लास 1 में है, मतलब सिंगल कोई बंदा अर्न कर रहा है और उसकी सैलरी है एक साल की 2,50,000 यूरो से लेके उसके ऊपर तक, ठीक है, 2,50,000 यूरो से वो ऊपर की उसकी सैलरी है तो उसका टैक्स कट होगा फ्लैट 45%, ठीक है। अगर कोई टैक्स क्लास 3 में है और उसकी सैलरी है 5,30,000 मतलब 5,30,000 यूरो के ऊपर तो उसका भी 45% टैक्स कट होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको परसेंटेज वाइज बताया कि किस अगर आपकी सैलरी इस मतलब स्लैब में है तो कितने परसेंटेज टैक्स कट होता है, बाकी मैं आपको और एग्जांपल देके भी समझाएंगे। तो ये हुआ आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद जैसा सुरभि हमने बात की थी, दूसरा होता है सॉलिडेरिटी टैक्स, तो वो सुरभि एक्सप्लेन करेगी वो क्या होता है। यहाँ पर उसे बोलते हैं सॉली, और मतलब मोस्टली सॉली बोलते हैं आपका, आप अगर पे स्लिप देखो तो आपका 5.5% जो है वो टैक्स कटता है। आई डोंट नो वो क्या होता है, पर 1991 से जो है वो कटना, मतलब जब ये ईस्ट जर्मनी और ये जर्मनी जो है वो डिवाइड हुआ था उसके बाद ये जो है वो टैक्स कटने लगा। क्या रीजन है पता है? जहाँ तक है मुझे जितना मेरे को पता है, वो मैं हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन जितना मुझे मैंने पढ़ा है वो ये है कि जब ईस्ट जर्मनी यहाँ से मर्ज हुआ था वेस्ट जर्मनी में, तो वो एरिया कम डेवलप था, उसको डेवलप करने के लिए 5.5% एडिशनल टैक्स लगाया गया था लोगों के ऊपर, ताकि वहाँ से जो पैसा आए वो उस एरिया में लगाया जाए डेवलप करने के लिए। तो हम जो टैक्स दे रहे हैं वो दूसरे एरियाज लाइक ईस्ट जर्मनी में यूज हो रहा है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो, मुझे अब एकदम से ये होता है सॉलिडेरिटी सरचार्ज बोलते हैं इसको। थर्ड जो कैटेगरी आती है जो आपका मैक्सिमम पैसा लेके जाती है जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि इतना टैक्स है जर्मनी में, वो होती है आपका सोशल कंट्रीब्यूशन। पर जैसा सुरभि ने बताया उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सोशल कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या टैक्सेस होते हैं और वो किस नाम से आपकी सैलरी स्लिप में दिखेंगे आपको जनरली, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टैक्स होता है वो होता है आपका पेंशन इंश्योरेंस। आपको जब बुढ़ापे में आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको जो पेंशन मिलेगी उसके लिए आप का हर मंथ टैक्स कट होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर रहते हो और आप बहुत बार एंजॉय करते हुए दिखते होगे बुड्ढों को, तो वो उन्होंने जो टैक्स पे किया था बुढ़ा अपनी जवानी पे, उसका फल जो है वो उन्हें मिल रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि लॉन्ग टर्म में क्या है, उनको पैसे मिल रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं उस पैसे। तो आपको रिटायरमेंट की टेंशन नहीं है, आपको पेंशन मिलती है, तो वो यही पेंशन होती है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पे रेंटन फर्जिशरूम, मतलब कि आपका पेंशन इंश्योरेंस, सॉरी रेंटन फर्जिशरूम, मेरी डॉइच ठीक है, रेंटन फर्जिशरूम। तो ये आपकी सैलरी स्लिप में आर वी नाम से दिखेगा, आर वी वो होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जिसको यहाँ पर बोलते हैं अर्बाइट लॉस फर्जिशरूम।
और ये फर्जिश रूंग या ये वाला जो पैसा कटता है ये बहुत, मतलब हमने खुद ही ये एक्सपीरियंस कर लिया अभी जो कोरोना सिचुएशन है, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्ट टाइम वर्क कर रहे हैं या उनकी जॉब जो है वो चली गई है इस टाइम पे, तो गवर्नमेंट जो है वो उनकी हेल्प करती है पर मंथ 60-85%, कुछ कुछ केसेस में 100% भी जो आपकी सैलरी होती है वो मिलती है, पर आपके पर मंथ जो पैसा कटता है वो अराउंड कितना 1.40% का। थर्ड आता है आपका जो इस कैटेगरी में वो होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो सबको पता है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है, लाइक अगर आप हॉस्पिटल जाओ या फिर आप किसी क्लिनिक पे जाओ वो भी फ्री होता है, टेस्ट जो भी कराते हो आप वो भी फ्री होता है, सिर्फ जो दवाइयां हैं उसके पे करना होता है वो भी आपको बहुत कम सब्सिडी में मिलता है, जैसे अगर 10 यूरो की दवाई है तो वो आपको 5 यूरो या 3 यूरो या 4 यूरो ऐसे मिलती है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपका 7.5% आपकी इनकम से जाएगा और 7.5% अराउंड आपके एम्प्लॉयर की इनकम से, ये होता है 14-16% के बीच में होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इंश्योरेंस आपने क्या लिया हुआ है। ठीक है, ये आपके जो सैलरी स्लिप है उसमें दिखेगा ये केवी नाम से, कांकन कासे फेडरेशन नाम से, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है होती है नर्सिंग इंश्योरेंस, ये आपका जो नर्सिंग इंश्योरेंस है ये अराउंड 0.9%, मतलब टोटल 2% होता है, 1% आपको देना है, 1% आपके एम्प्लॉयर को, तो टोटल आपको जो देना है ना एज ए एम्प्लॉय जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अराउंड आपका 20% से 22%, 20-22% आपकी सैलरी से ये सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, जिसके हमने आपको एडवांटेज बताए। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया टैक्सेस की क्या क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने बोला था कि हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाएंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक टैक्स कैलकुलेटर ओपन करो और हम लोग एक मैं यहाँ पर स्क्रीन चला देती हूँ, हम एक टैक्स कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। ये टैक्स कैलकुलेटर की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, इनकेस आप कल को आने वाले हो तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर मोटिव वही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये समझने में हमें 2 साल लग गया, तो आपको काश हमारे वीडियो से ये समझ में आए। हाँ। और कॉम्प्लिकेटेड लगे तो भी कमेंट करना, और आपको ऐसा ईजी मतलब लगे तो भी कमेंट करना, जो भी है, पर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं एक। तो अब है सैलरी कैलकुलेटर, तो हम मैं यहाँ पर कैलकुलेटर डाल रही हूँ। हाँ दीपक, तो बताओ एक साल। मैं एग्जांपल लिया था, अगर किसी की सैलरी 60,000 यूरोस है एक साल की और महीने की 5,000 यूरोस, ठीक है, और आप टैक्स क्लास 3 में आते हैं और आपका एक भी बच्चा नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, उनमें से एक बंदा जॉब कर रहा है, तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी मंथली आपको सैलरी मिलेगी 3,433 यूरोस, अराउंड आपका 988 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,000 यूरोस के आसपास आपका इनकम टैक्स कट होगा, और अदर टैक्सेस जो हैं जो मैंने बताया सॉलिडेरिटी टैक्स, वेज टैक्स, चर्च टैक्स, वो 578 यूरोस कम होगा। तो आपको मंथली 5,000 यूरोस की सैलरी की जगह आपको 3,433 यूरोस आपको मंथली मिलेंगे। एक और वो सिंगल वाला, क्योंकि सिंगल यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप सिंगल है यहाँ पर टैक्स क्लास 1 में है अगर आप, तो आप समझिए सेम सैलरी पे मंथली 5,000 सैलरी पे आपको जो सैलरी मिलेगी महीने की वो मिलेगी 3,000 यूरो। तो सेम सैलरी पे टैक्स क्लास 3 वाले को मिल रही थी ऑलमोस्ट 3,400 यूरोस, और सेम सैलरी पे टैक्स क्लास 1 वाले को मिल रही है 3,000 यूरोस, 450-450 यूरोस का डिफरेंस है। गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको क्लैरिटी मिली हो कि यहाँ पर टैक्सेस कैसे कटते हैं, क्या होता है सारी चीजें, एंड वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा वो जरूर कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना जो लोग नए आने वाले हैं या टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं जर्मनी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटता है, एंड दैट्स द रीज़न कि हमने सोचा कि आप लोगों को एक क्लैरिटी दें। पर हाँ, जैसा कि हमने बताया, सबका कुछ रीजन्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, आपको कौन सा बेनिफिट जो है वो सबसे अच्छा लगा, लाइक कि आपको बुढ़ापे में पैसा मिलेगा, या फिर आपको अगर जॉब नहीं है आपके पास तो भी आपको हर मंथ पैसा मिलता रहेगा, जो भी चीज आपको सबसे अच्छी लगी हो जर्मनी के बारे में टैक्स रिलेटेड वो कमेंट करना इस वीडियो से, जो भी आपको इनसाइट्स मिले हो। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, अगर आपका कोई टॉपिक है डिमांडिंग वो जरूर नीचे कमेंट करना, तो हम कोशिश करेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बनाने की।